हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अर्चना भाटिया, एसोसिएट प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डीएवी शताब्दी कॉलेज, फरीदाबाद। आज मैं आपके साथ रिग्रेशन एनालिसिस का पार्ट सेकंड डिस्कस करने जा रही हूं, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। जब भी हम बात करते हैं रिग्रेशन इक्वेशंस को कंप्यूट करने की, तो हमें समझना होगा कि रिग्रेशन इक्वेशंस इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज की कंप्यूटेशन को हमें समझना है और रिग्रेशन इक्वेशंस इन केस ऑफ ग्रुप सीरीज को हमें समझना है। इस पर्टिकुलर भाग में मैं रिग्रेशन इक्वेशंस को इंडिविजुअल सीरीज में कैसे कंप्यूट करते हैं उसके बारे में चर्चा करूंगी, जिसमें सबसे पहले रिग्रेशन इक्वेशंस यूजिंग नॉर्मल इक्वेशन मेथड, इसको हम पढ़ेंगे, और उसके बाद रिग्रेशन इक्वेशंस यूजिंग रिग्रेशन कोफिशिएंट्स मेथड, इसको हम पढ़ेंगे। जब हम रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की मदद से रिग्रेशन इक्वेशंस को निकालना सीखेंगे, तो हम इसके अंदर बेस्ड ऑन अर्थमेटिक मीन एंड बेस्ड ऑन एज्यूम्ड मीन, इन दो बातों को सविस्तार प्रैक्टिकल के साथ समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके साथ ले रही हूँ रिग्रेशन इक्वेशंस यूजिंग नॉर्मल इक्वेशंस। इस मेथड को ली स्क्वायर मेथड भी कहते हैं। जब हम ली स्क्वायर मेथड की बात करते हैं, तो इसमें हम रिग्रेशन इक्वेशंस की गणना नॉर्मल इक्वेशंस की मदद से करते हैं। इस रिग्रेशन इक्वेशन को ध्यान से देखिए, क्योंकि हमें मालूम है कि हम बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशंस की बात कर रहे हैं, एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं, तो दो ही हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशंस होंगी, पहली होगी y on x और दूसरी होगी x on y। ये जो रिग्रेशन इक्वेशन है y on x, इसको लिखा जाएगा y बराबर a plus bx। इस रिग्रेशन इक्वेशन में जो हमारा y वेरिएबल है वो x के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए y वेरिएबल इज डिपेंडेंट, x वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट, और ये जो a है ये हमारा इंटरसेप्ट है। जब हम कहते हैं कि ए हमारा इंटरसेप्ट है, तो इसका मतलब ये इंडिकेट करता है मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, और जो बी है हमारा ये स्लोप ऑफ द लाइन है, इसको हम रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। क्विकली एक बार ग्लांस करेंगे डियर स्टूडेंट्स, एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल, A is intercept and B is regression coefficient of y on x। इस चित्र को ध्यान से देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, y is equal to a plus bx। ये जो a है ये इंटरसेप्ट है, ये जो इंटरसेप्ट है ये मिनिमम वैल्यू बताता है y की when x is equal to zero, और जब हम रिग्रेशन कोफिशियंट की बात करते हैं तो इसे हम b से डिपिक्ट करते हैं, विच इज डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, अर्थात b इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अब ये जो a और b है ये कांस्टेंट्स हैं, और a और b की वैल्यूज की गणना हम दो नॉर्मल इक्वेशंस की मदद से करेंगे, जिसमें पहली नॉर्मल इक्वेशन बनती है सिग्मा y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा x, और दूसरी नॉर्मल इक्वेशन बनती है सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिमिलर पैटर्न पे यदि हम रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई की बात करें, तो यहाँ पे वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल है, सी हमारा इंटरसेप्ट है। यहाँ पे जो सी इंटरसेप्ट है, दिस इंडिकेट्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू जीरो, और ये यहाँ पे जो हमारा डी है विच इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन और विच इज कॉल्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट, सो दिस डी इज नथिंग बट दिस इज रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। अब ये पहला न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल में ध्यान से देखिए, हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिवन है और हमें डिपेंडेंट वेरिएबल गिवन है, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, तो हमें यहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है वाई ऑन एक्स। सबसे पहले हमने एक्स का टोटल किया,
जब हमने x का टोटल किया तो ये हमारे पास आया 1 प्लस 2 प्लस 3 विच इज 6। अब हमने y का टोटल किया, y का टोटल हमारे पास आया 5 प्लस 4 प्लस 6 विच इज 15। उसके बाद हमने x को y से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 5, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, 3 मल्टीप्लाइड बाय 6। इस xy का जब हमने समेशन किया, टोटल किया, एग्रीगेशन किया, उसको सिग्मा से डिपिक्ट करते हैं, दैट बिकम सिग्मा xy व्हिच इज इक्वल टू 31। फिर हमने x का स्क्वायर लिया। जब हमने x का स्क्वायर लिया तो इस पूरी सीरीज का स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। इस कॉलम में हमने इसको ऐड किया और हमारे पास आया सिग्मा x स्क्वायर इज इक्वल टू 14। फिर सिमिलरली हमें y स्क्वायर चाहिए था तो हमने y का स्क्वायर लिया 25, देन 4 का स्क्वायर 16, देन 6 का स्क्वायर 36। तो हमारे पास आ गया सिग्मा y स्क्वायर। यानी नॉर्मल इक्वेशंस की मदद से जब हम कांस्टेंट वैल्यूज को निकालते हैं a और b को, उसके लिए जो हमें वैल्यूज चाहिए, हमें सिग्मा x चाहिए, हमें सिग्मा y चाहिए, सिग्मा xy चाहिए, सिग्मा x स्क्वायर चाहिए और सिग्मा y स्क्वायर चाहिए। अगर ये सारी वैल्यूज हम कंप्यूट कर लेते हैं तो हम दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस निकाल सकते हैं, y ऑन x एंड x ऑन y। अब इस न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास 3 थी। इस न्यूमेरिकल में देखिए हमारे पास x का हमने टोटल किया, सिग्मा x इज 6, हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया 3 से, तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन आ गया। अर्थमेटिक मीन होता है सिग्मा x डिवाइडेड बाय n ऑन द सिमिलर फुटिंग y बार, यानी अर्थमेटिक मीन ऑफ y सीरीज इज इक्वल टू सिग्मा y डिवाइडेड बाय n, यानी 15 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 5। तो ये हमारे पास आ गया, x बार इज 2 एंड y बार इज 5। अब हमने रिग्रेशन इक्वेशन कंप्यूट करनी थी y ऑन x, तो हमने लिखा y is equal to a plus bx। अब क्योंकि यहाँ पे हम least square method adopt कर रहे हैं तो हमें ये दोनों constants की value compute करनी है। इन दोनों constants की value compute करने के लिए हमें दो normal equations चाहिए। देखिए मैं बोलती हूँ कि मैंने normal equations को कैसे बनाया ताकि आपको समझ में आ सके। पहली normal equation बनी sigma y is equal to na plus b sigma x, दूसरी नॉर्मल इक्वेशन बनी सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब जो वैल्यूज मैंने कंप्यूट की थी सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स वाई एंड सिग्मा एक्स स्क्वायर, वो सारी वैल्यूज मैंने इसमें डाली तो मेरे पास ये दो इक्वेशन आ गए, 15 बराबर 3a प्लस 6b, 31 इज इक्वल टू 6a प्लस 14b। अब ये दो जो मेरे पास इक्वेशंस आए, इन इक्वेशंस में ध्यान से देखिए मेरे पास दो अननोन वेरिएबल्स हैं और मुझे मालूम है कि लीनियर इक्वेशंस में दो अननोन वेरिएबल्स को मैं किसी भी तरीके से निकाल सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो मेथड अडॉप्ट करा, मैंने इस इक्वेशन को माइनस दो से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए माइनस दो से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ माइनस 30 आएगा, यहाँ पे माइनस 6 से आएगा और यहाँ पे माइनस 12 भी आएगा। और मल्टीप्लाई करने के बाद जब मैं इसको सेकंड में ऐड करूंगी तो फिर ए टर्म डिलीट हो जाएगी। ये देखिए 6a से माइनस 6a कैंसिल हो गया, 14b माइनस 12b इज इक्वल टू 2b, 31 माइनस 30 इज इक्वल टू 1, सो द रिग्रेशन कोफिशिएंट b इज इक्वल टू 0.5। अब मैंने ये b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, आप फर्स्ट इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, आप सेकेंड इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं और पुट करने के बाद आपके पास ए की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे ये ए क्या है, इंटरसेप्ट है, और ये जो बी आपने निकाला है ये क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट है। तो मैंने रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स में ए और बी की वैल्यू पुट की और मैंने हाईलाइट करके ये बताया दैट दिस इज रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स वेयर वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 0.5x। आइए अब दूसरे मेथड की तरफ बढ़ते हैं।
regression equations using regression coefficients. इसमें सबसे पहले मैं वो सिचुएशन ले रही हूँ, वो स्थिति ले रही हूँ जिसमें हम रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को बेस्ड ऑन अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं. दो रिग्रेशन लाइंस हैं और दो ही रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं. पहला रिग्रेशन कोफिशिएंट है विच इज कॉल्ड बी बाय एक्स, दैट इज रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स. दूसरा रिग्रेशन कोफिशिएंट है एक्स ऑन वाई, so this is regression coefficient of x on y, that is bxy. ध्यान से देखिए, numerator दोनों का same है, sigma x minus x bar, y minus y bar. So the numerator in both the cases is same. अब बात करते हैं bx की. देखिए students, पीछे लगा हुआ है x, तो हम नीचे लाएंगे sigma x minus x bar का whole square. इसी logic से जब मैं bxy की गणना करूंगी तो डिनोमिनेटर में आएगा सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर. सो दीज टू फॉर्मूलाज रिलेट विद द कंप्यूटिंग पार्ट ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स फॉर कैलकुलेटिंग रिग्रेशन इक्वेशंस व्हेन एक्स बार एंड वाई बार बोथ आर होल नंबर्स. तो यदि दोनों एक्स बार और वाई बार होल नंबर्स नहीं होंगे तो ये फॉर्मूला भी नहीं लगेगा. फिर हम अगले फॉर्मूले के ऊपर आएंगे जो कहलाता है assumed mean method. एक चीज और मुझे आपको यहाँ पे बतानी है कि ये जो दो regression coefficients हैं, ये जो आपने calculate करे हैं जिसमें numerator दोनों का सेम है, देखिए जो regression coefficients का निशान है वो numerator के निशान से ही डिटर्मिन होगा, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है दोनों का वो तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता. अगर आपने किसी सीरीज का परफेक्ट स्क्वायर कर लिया, उसको एड कर लिया, तो वो तो पॉजिटिव ही आएगा. तो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का निशान सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार से डिटरमिन होगा, और ये अगर पॉजिटिव होगा तो दोनों केसेस में पॉजिटिव होगा, और अगर नेगेटिव होगा तो दोनों केसेस में नेगेटिव होगा. यानी यहाँ पर आपको वो प्रॉपर्टी मैंने दोबारा से याद दिलाई दैट रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, बोथ ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स मस्ट हैव ऑलवेज द सेम साइन. ये एग्जाम्पल है छोटा सा. इस एग्जाम्पल में सबसे पहले तो हम रिग्रेशन इक्वेशंस निकालेंगे. तो रिग्रेशन इक्वेशंस दो निकालेंगे, एक निकालेंगे y on x और दूसरी निकालेंगे x on y. और फिर हम निकालेंगे दैट व्हाट विल बी द लाइकली वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज 10. जब भी आपसे मैं कहूं लाइकली वैल्यू ऑफ x या मैं आपसे कहूं बेस्ट एस्टिमेट ऑफ x, तो जो चीज मैं निकालने की बात करती हूं वही रिग्रेशन इक्वेशन मैं कंसिडर करूंगी. इस बात का आपको ध्यान रखना है. तो जब मैं आपसे बोलूंगी व्हाट इज द लाइकली वैल्यू ऑफ x, तो आप कहेंगे मैम कंसिडर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y. उसमें y को जब हम 10 पुट कर देंगे तो हमारे पास x की लाइकली वैल्यू आएगी. आइए स्टूडेंट्स एग्जाम्पल को देखते हैं. सबसे पहले हमने x सीरीज को ऐड किया तो हमारे पास सिग्मा x आया विच इज 30. जब हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो हम समेशन को नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन की वैल्यू आती है जो हमारे पास यहाँ पे आ गई, दैट इज 30 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 6. उसके बाद हमने y सीरीज को ऐड किया 40 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 8. क्योंकि इस न्यूमेरिकल में दोनों x बार और y बार होल नंबर है, तो हम यहाँ पे रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को कंप्यूट करने का जो तरीका अडॉप्ट करेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन अर्थमेटिक मीन. उसके बाद हमने x बार और y बार निकालने के बाद हमने निकाला x माइनस x बार. नाउ दिस इज x माइनस x बार. आवर x बार इज 6, सो 6 माइनस 6 0, 2 माइनस 6 10 माइनस 6. ऐसे करते हुए हमने इसका समेशन लिया सिग्मा x माइनस x बार, विच वी नो इज ऑलवेज जीरो बिकॉज एलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस व्हेनेवर टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो. सो समेशन सिग्मा x माइनस x बार इज इक्वल टू जीरो. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट y माइनस y बार. आवर y बार इज 8, सो फ्रॉम ईच एंड एवरी इंडिविजुअल आइटम ऑफ द सीरीज वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 8. So, after
एडिंग ऑल दीज वैल्यूज वी गेट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई माइनस वाई बार. सिमिलरली हमने वाई माइनस वाई बार निकाला. हमने हर इंडिविजुअल आइटम में 8 को सब्ट्रैक्ट किया, इसका समेशन किया. सो सिग्मा वाई माइनस वाई बार शुड ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो बिकॉज दिस इज अ मैथमेटिकल प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक एवरेज. देन वी नीड टू कैलकुलेट एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय वाई माइनस वाई बार. जब हमने एक्स माइनस एक्स बार को वाई माइनस वाई बार से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसका समेशन आया माइनस 14. जैसे ही समेशन माइनस 14 आया, इसने हमें सजेस्ट किया कि रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का निशान भी अब नेगेटिव होगा. उसके बाद हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का मतलब हमने एक्स माइनस एक्स बार की सीरीज के हर आइटम का स्क्वायर किया. जीरो का स्क्वायर जीरो, माइनस फोर का स्क्वायर इज 16, प्लस फोर का स्क्वायर इज 16, देन माइनस टू का स्क्वायर इज 4, एंड लास्ट में टू का स्क्वायर इज 4. इसका हमने टोटल किया तो हमारे पास सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई 40. और उसके बाद हमने लास्ट में वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर निकाला और इन आइटम्स को एड करने के बाद हमारे पास समेशन आया विच इज सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर इज 10. इस न्यूमेरिकल में हम रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की गणना बेस्ड ऑन अर्थमेटिक मीन कर रहे हैं. अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला केवल एक ही कंडीशन में लग सकता है, उसकी एक ही शर्त है कि दोनों एक्स बार और वाई बार होल नंबर होने चाहिए. अब देखिए, वी आर कंप्यूटिंग द रिग्रेशन इक्वेशन. रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स इज वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार. हमने y बार और x बार को ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट दिस रिग्रेशन कोफिशिएंट और इस रिग्रेशन कोफिशिएंट की गणना हम बेस्ड ऑन अर्थमेटिक मीन कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की माइनस 14 डिवाइडेड बाय 40. So the regression coefficient of y on x is minus 0.35. अब देखिए, हमने substitute किया, हमने calculate क्या किया था y bar 8, हमने x bar calculate कितना किया था 6, और हमने regression coefficient अभी देखा कि हमारे पास formula लगाने के बाद आया minus 0.35. हमने ये सारी चीजें इस equation में put की. This is y minus y bar which is 8 is equal to minus 0.35 x minus x bar which is 6. इस regression equation को solve करने के बाद हमने left hand side पे y को रखा, हम बाकी चीजों को right hand side पे ले आए और now this is regression equation of y on x. जब भी हम regression equations निकालते हैं तो हमें end में अपने answer को इस तरह से देना चाहिए कि पढ़ने वाला समझ सके कि ये रिग्रेशन इक्वेशन y on x है या फिर x on y है. तो यहाँ पे क्योंकि मैंने इसको लिख दिया कि y is equal to minus 0.35x plus 10.10, तो इसका मतलब this is regression equation of y on x. यहाँ पे 10.10 is the intercept, minus 0.35 is regression coefficient of y on x. Now the next regression equation, क्योंकि numerical के पहले part में हमें दोनों regression equations compute करनी थी, so the regression equation of x on y, the formula will be x minus x bar is equal to bxy y minus y bar. यहाँ पे जो regression coefficient है bxy, that will be calculated on the basis of arithmetic mean and the formula you already know. Is sigma x minus x bar y minus y bar divided by sigma y minus y bar a whole square. मैंने values put की minus 14 divided by 10. So the answer is minus 1.4. जैसे ही मैंने दोनों regression coefficients को calculate कर लिया, यहीं से मैंने अपने पिछले भाग में पढ़े हुए part को दोहराया कि दोनों regression coefficients negative. क्योंकि
रिग्रेशन कोफिशियंट्स और कोरिलेशन कोफिशियंट्स का निशान साइन हमेशा सेम होता है, या सारे पॉजिटिव होते हैं या फिर सारे नेगेटिव होते हैं। दूसरी बात, रिग्रेशन कोफिशियंट्स की एक और प्रॉपर्टी है कि यदि एक रिग्रेशन कोफिशियंट एक से बड़ा होगा तो दूसरा रिग्रेशन कोफिशियंट एक से छोटा होगा। इस क्वेश्चन में एक रिग्रेशन कोफिशियंट न्यूमेरिकली एक से बड़ा है और दूसरा रिग्रेशन कोफिशियंट एक से छोटा है, और दोनों का प्रोडक्ट वन को एक्सीड नहीं कर सकता। तो जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल करते हैं, जो जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हमने पढ़ा है उसको भी हमें अपने आप को सजेस्ट करके बताना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ पर अच्छी तरह से फिट हो रही है। अब देखिए, हमने इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि हम रिग्रेशन इक्वेशन निकाल रहे हैं x1 y, हमने सब्स्टिट्यूट किया, हमने x माइनस x बार इज 6 इज इक्वल टू माइनस 1.4 विच इज रिग्रेशन कोफिशियंट ऑफ x1 y ब्रैकेट y माइनस y बार एंड y बार इज 8। इस रिग्रेशन इक्वेशन को हमने हर स्टेप को लगा के सॉल्व किया, और जब भी हम मैथमेटिकली कोई चीज सॉल्व करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स हमें कोई भी स्टेप मिस नहीं करना चाहिए। और अंत में, क्योंकि हमें मालूम है कि हम रिग्रेशन इक्वेशन x on y को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें x को लेफ्ट हैंड साइड पे रखना चाहिए और बाकी सबको हमें राइट हैंड साइड के ऊपर लाना चाहिए। सो x इज इक्वल टू माइनस 1.4y प्लस 17.2। देखने से ये पता चलता है that this is regression equation of x on y. इसमें 17.2 इंटरसेप्ट है और माइनस 1.4 इज द रिग्रेशन कोफिशियंट ऑफ x on y. अब न्यूमेरिकल के सेकेंड पार्ट में हमें ये बताना था कि लाइकली वैल्यू x की क्या होगी यदि y 10 के बराबर है। मैंने आपको पहले भी बताया है, यदि मैं आपसे कहूं कंप्यूट लाइकली वैल्यू, या मैं आपसे कहूं कंप्यूट द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ x, तो इसका मतलब कि मुझे रिग्रेशन इक्वेशन x on y को कंसिडर करनी है, क्योंकि यहां पर देखिए y की वैल्यू आपको गिवन है। इस y की वैल्यू के बेसिस के ऊपर हमें x कंप्यूट करना है। इसका मतलब y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x की वैल्यू y के ऊपर डिपेंड करती है। इसका मतलब कि हमें रिग्रेशन इक्वेशन x on y को लेना है। तो हमने यहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशन x on y जो निकाली है पीछे, उसको हमने लिया x इज इक्वल टू माइनस 1.4y प्लस 17.2, बिकॉज वी नीड टू कैलकुलेट द मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 10। यहाँ पे हमने y की वैल्यू पुट की 10, सो इट कम्स आउट टू बी माइनस 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 17.2, एंड द आंसर इज 3.2। अगर मैं आपसे कहूं इस आंसर को हम कैसे पढ़ेंगे, तो इस आंसर को हम इस तरीके से पढ़ेंगे that the most likely value of x is 3.2 when the value of y is equal to 10. Now, dear students, I am covering the second aspect of calculating the regression equations where we need to calculate the regression coefficients on the basis of assumed mean method. Assumed mean method निकालने के लिए हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि यदि किसी भी सीरीज में x बार या y बार या फिर दोनों होल नंबर नहीं होते तो हमें assumed mean method लगाना पड़ता है। हम exact arithmetic mean से numerical solve नहीं कर सकते। तो आइए सबसे पहले formulas देखते हैं, क्योंकि regression coefficients को जब हम assumed mean method से calculate करेंगे तो पहला formula है regression coefficient of y on x, and the formula is n sigma dx dy minus sigma dx sigma dy. और दोनों केसेस में न्यूमिनेटर सेम रहेगा, फर्क केवल डिनोमिनेटर में आएगा। जब हम dyx कैलकुलेट करेंगे तो पीछे x लगा हुआ है, तो डिनोमिनेटर में n sigma dx square minus sigma dx का होल स्क्वायर, और जब हम bxy कैलकुलेट करेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में n sigma dy square माइनस सिग्मा डीवाई का होल स्क्वायर। ये वही बात जो मैंने आपको बताई है कि यदि x बार और y बार बोथ आर नॉट इन होल नंबर्स, देन अप्लाई द अबव फॉर्मूला,
और यहाँ पे अगर हम dx की बात करें तो dx is x minus a, where a is the assumed mean from series x, and dy is equal to y minus b, where b is the assumed mean from series y. आइए ये क्वेश्चन देखते हैं. ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन assumed mean मेथड है. इसमें हमें सबसे पहले रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है, फिर हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, और उसके बाद हमें लाइकली वैल्यू ऑफ वाई निकालनी है व्हेन एक्स इज इक्वल टू 10. जब हमें लाइकली वैल्यू ऑफ एक्स वाई निकालनी है तो इसका मतलब हमें रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स को कंसिडर करना है. आइए डियर स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल में देखते हैं कि अज्यूम मीन मेथड कैसे अप्लाई करना है. ये सबसे पहले हमने x सीरीज को ऐड किया, हमने नंबर ऑफ टर्म्स 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 3.4. हमने y सीरीज को ऐड किया, 22 आया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स y बार आया हमारे पास 4.4. x बार y बार दोनों ही होल नंबर नहीं है तो हमें एज्यूम मीन मेथड लगाना होगा. x सीरीज से मैंने एज्यूम मीन पिक किया है 3, और मैंने y सीरीज से एज्यूम मीन पिक किया है 4. dx इज इक्वल टू x माइनस a एंड dy इज इक्वल टू y माइनस b. दिमाग में प्रश्न आ सकता है कि मैम क्या हम कोई और एज्यूम मीन ले सकते हैं? आप एज्यूम मीन कुछ भी पिक कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन. उसके बाद हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे dx, इसका टोटल किया तो हमारे पास आया सिग्मा dx विच इज 2. फिर हमने लिया dy विच इज y माइनस b. ये y की सीरीज थी, हर आइटम में से हमने 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये हमारे पास आ गया सिग्मा dy. नेक्स्ट स्टेप पे हमने dx को dy से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया dx dy माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1. ऐसे करते हुए हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास आया सिग्मा dx dy विच इज माइनस 3. उसके बाद हमने निकाला dx स्क्वायर. ये हमारे पास dx का कॉलम था, हमने इंडिविजुअल आइटम्स का स्क्वायर किया और जब हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास ये आया सिग्मा dx स्क्वायर विच इज 6. इन द सिमिलर वे वी कैलकुलेटेड आवर लास्ट कैलकुलेशन विच इज सिग्मा dy स्क्वायर. ये dy की सीरीज थी, पूरा कॉलम था, हमने इसको स्क्वायर किया और यहाँ पे हम लिखते गए और इसको हमने जब ऐड किया तो हमारे पास सिग्मा dy स्क्वायर आया. आगे बढ़ते हैं. अब रिग्रेशन इक्वेशन थी y on x. रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x इज y माइनस y बार इज इक्वल टू dy x x माइनस x बार. क्योंकि हमारे दोनों होल नंबर नहीं थे अर्थमेटिक मीन, ना तो हमारा x बार होल नंबर था ना हमारा y बार होल नंबर था, इसीलिए हमने एज्यूम मीन मेथड लगाया और रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को आप फॉर्मूला अप्लाई करते हुए हमने सारी वैल्यूज को पुट किया. ये हमारा फॉर्मूला था, इसमें हमने ये सारी वैल्यूज पुट की और हमने रिग्रेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट किया b by x which is which comes out to be -0.73. जैसे ये नेगेटिव आया इसका मतलब हमारा अगला रिग्रेशन कोफिशिएंट which is bxy should also be negative. अब हमने सारी बातें, जो हमारा y बार था 4.4, जो हमारा x बार था 3.4 और ये रिग्रेशन कोफिशिएंट हमने इस इक्वेशन में पुट किया और कैलकुलेट हमने की रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x. ये जो x के साथ लगा हुआ है ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है और y ऑन x which is -0.73. सिमिलरली हमने निकाली रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y. फॉर्मूला अप्लाई किया x माइनस x बार इज इक्वल टू bxy into y माइनस y बार. हमने bxy को एज्यूम मीन मेथड के फॉर्मूले से कैलकुलेट करा और हमारे पास आया -0.73. पहली चीज, दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स नेगेटिव हैं. दूसरी चीज हमने यहाँ देखी कि ये दोनों बराबर हैं, लेकिन हमें मालूम है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट्स नीड नॉट बी सिमेट्रिक. ये बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते.
इसके बाद हमने रिग्रेशन इक्वेशन कैलकुलेट की x on y, जिसमें हमने x बार 3.4, y बार 4.4 और रिग्रेशन कोफिशिएंट को सब्स्टिट्यूट किया और एंड में हमने ये रिग्रेशन इक्वेशन निकाल के एग्जामिनर को दिखाई। सेकेंड पार्ट, कंप्यूटेशन ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। हमें मालूम है दैट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, r is equal to under root bx dot bxy। हमने ये दोनों वैल्यूज पुट की, -0.73 -0.73, अंडर रूट के अंदर माइनस माइनस कैंसिल हो गया, लेकिन जब हमारे कोरिलेशन का आंसर आया तो हमने उसके साथ नेगेटिव लगाया, क्योंकि हमने कहा सिंस बोथ द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर नेगेटिव सो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मस्ट हैव द नेगेटिव साइन। Now the last part of the numerical, computing likely value of y when x is equal to 10. हमें likely value y की निकालनी है, हमें best estimate y का निकालना है, तो हम regression equation y on x को consider करेंगे। हमने regression equation उठाई y on x, हमने लिखा और उसके बाद हमने x की 10 value put की, तो हमारे पास y का answer आ गया। इसका मतलब ये likely value है y की यदि x की वैल्यू 10 होगी। सो समराइजिंग, ये रिग्रेशन इक्वेशन का फॉर्मूला है। अगर आपने रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है y on x, the formula is y minus y bar is equal to b by x, x minus x bar। अगर आपको रिग्रेशन इक्वेशन x on y निकालनी है तो x minus x bar is equal to regression coefficient x on y into y minus y bar। Now this is the formula for coefficient of correlation। अगर मैंने दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस को कंप्यूट किया है और मुझसे कहा जाए कि आप कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालिए, तो मैं दोनों रिग्रेशन इक्वेशन से रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकालने के बाद जब उसका प्रोडक्ट करके ज्योमेट्रिक मीन ले लूंगी तो वो कोरिलेशन कोफिशिएंट के बराबर होगा, बिकॉज आई नो दैट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। और मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड बोथ द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स मस्ट हैव द सेम साइन, ईदर ऑल आर पॉजिटिव और ऑल आर नेगेटिव। और लास्ट में जो मैंने बातें आपको पहले समझाई, यदि आपको लाइकली वैल्यू निकालनी है y की तो आप रिग्रेशन इक्वेशन y on x कंसिडर करेंगे, यदि आपको लाइकली वैल्यू निकालनी है x की तो आप रिग्रेशन इक्वेशन x on y को कंसिडर करेंगे। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये पार्ट समझ में आया होगा, और कीप लर्निंग, कीप डूइंग लॉट ऑफ प्रैक्टिस। थैंक यू।